भाई हमारी सिर्फ ये डिमांड है सरकार से कि जितने भी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग मिले। हम इंक्रीज या डिक्रीज की कोई हम बोल ही नहीं रहे हैं बात, हम सिर्फ इतनी बोल रहे हैं कि अगर हमारा 1407 बच्चा है, ये सारा 1407 बच्चा, इन्होंने जितने भी नंबर लिए हैं, जो भी किया, इनको सिलेक्शन मिले, क्योंकि हमने हर चीज क्वालिफाई की है। तो हम इतने दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दो दिन से हमने हंगर स्ट्राइक भी कर लिया। आप देख सकते हो बंदे जो है, इनकी हालत कंडीशन जो है खराब होती जा रही है, बट यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, सरकार को कोई मतलब नहीं है कि बंदा मर रहा है, जी रहा है, क्या कर रहा है। बंदा यहाँ पे लेटा हुआ है, इसने कुछ नहीं खाया कल से, तो आज भी हमारा दिन रात, अब हमने ये सोच लिया कि अब हमने प्रोटेस्ट करा, दिन रात हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि बच्चा तो बच्चा आया, लेकिन कई सारे लड़कों के पेरेंट्स भी आए, जैसे आप देख सकते हैं मेरे साथ बैठे हैं। तो अब आप इनसे पूछ लीजिए कि ये क्यों आए और इनकी क्या डिमांड है और ये क्या चाहते हैं, अब आप खुद देख लीजिए। जी आपकी क्या डिमांड है? मैं आरसपुरा से हूँ, तो मैं बच्चों की डेली वीडियो देखता हूँ, बच्चे भूख हड़ताल में बैठे हैं, स्ट्राइक में बैठे हैं, कुछ बच्चे जो बीमार भी हैं, लेकिन यहाँ जो हमारी जो सरकार है उसका कोई भी जो नुमाइंदा है, जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन, कोई उनके पास नहीं आया। मेरा जो बेटा है खुद वो हुआ है और उसके 82 जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज है, उस वजह से मैं भी आया हूँ। तो मैं कहता हूँ कि सभी जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिनको निकाल दिया है, मेडिकल उनका मेडिकल फिट है, फिजिकली फिट है, सभी हैं, वो उनके पेरेंट्स भी आएँ और बच्चों के साथ दें। और जो जहाँ जो हमारे हो रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आएंगे, रैना जी आएंगे, जो भी एडमिशन है वो आएँ और बच्चों और जो बच्चे इधर हैं उनको मतलब दोबारा सिलेक्शन उनकी की जाए। अंकल जी आपका क्या मसला है? देखिए हम भी इसलिए आए हैं, यही देख रहे हैं कि बच्चों का, देखिए बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, फिजिकली फिट है, उन्होंने क्वालिफाई किया है, टेस्ट निकाला है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी 82-83 तक जो बच्चे वो नहीं ले रहे। तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चे जो फिट हो गए उन बच्चों को लेना चाहिए, उन सभी बच्चों को लेना चाहिए। सो हमारी लास्ट में सिर्फ एक यही डिमांड है कि हमारी सिलेक्शन की जाए, जितने मेडिकल स्टूडेंट फिट हैं, और हम कल या शनिवार को हमारे सारे जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे पहुँचेंगे और सारे मिलके यहाँ पे धरना देंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर अभी दो बच्चा बैठा है, आगे जाके दो या तीन दिन के अंदर अंदर सारा बच्चा, 1400 बच्चा जो है, सारा भूख हड़ताल पे बैठेगा। और हमारे धीरे धीरे करके सारे जितने भी माँ बाप हैं